अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ स्मॉल फिश रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। क्लीनिंग और वॉशिंग में जो वक्त लगता है, उसके अलावा कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अप्रॉक्स 1 kg फिश ले ली है। इनकी हेड और टेल को अलग कर लेना है और पीस से दबा कर इसकी सारी गंदगी निकाल देनी है और अच्छे से वॉश करना है। फिश वॉश हो चुकी है, इस तरह से पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है। मसालों में हमने जिंजर का एक छोटा पीस लिया है, 8 से 10 क्लॉव्स गार्लिक के, जिनको मिक्सर के जार में हम डाल देंगे। अनियन 2 मीडियम साइज़ के, इनको रफली चॉप्ड करना है और मिक्सर के जार में डाल देना है। और इसी तरह से हम जिंजर के पीस को भी रफली चॉप करके मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब डालेंगे 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 teaspoon करेंडर पाउडर। करेंडर पाउडर हमें ज़्यादा लेना है। अब डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट, 1.5 हमने लिया है। अब डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon। वेल, आई हैव टू ग्राइंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल। फिश को वॉश करने के बाद सारा पानी इसका ड्रेन कर दीजिएगा, बिल्कुल सुखा लीजिएगा। अब हम एक पैन लेते हैं, इसको हीट पर रखते हैं। 400 ml मस्टर्ड ऑयल हमने डाला है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें 2 बार में यानी 2 lots में हम फिश को फ्राई करेंगे, आधी एक बार में और आधी एक बार में। ये देखिए, हमने हाफ फिश अप्रॉक्स डाल दी हैं। इनको हमने ऑयल में ऐसे स्पून के हेल्प से बराबर करके छोड़ना है। थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटना है, जिससे इनकी सारी साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाएं। पानी इनका जलना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि कच्चापन ना रह जाए। फ्राई होने में ही आधी से ज़्यादा ये कुक हो जाती है। और फ्राई करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ये देखिए, 1 साइड काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। ऐसा कलर आने के बाद ये स्पैचुला की हेल्प हमें लेनी पड़ रही है। पलटने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप भी ऐसे ही पलट सकते हैं। ये देखिए, फ्राई हो चुकी है। अब स्पैचुला से हम प्रेस करके सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इनको दूसरे बर्तन में रख लेंगे। सारे फिश निकाल देंगे, अब सेकेंड लॉट भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी फिश फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। 1 teaspoon फेनेग्रिक सीड इस बचे हुए ऑयल में डालेंगे और सारा मसाला डाल देंगे और लिड लगा देंगे। अच्छे से कुक होने देंगे इसको। तब तक हम रोटी तैयार कर लेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी इसके साथ अच्छी लगती है और हमारा वक्त भी बच जाएगा। हमने दूसरी साइड रोटी तैयार करनी है और मसाला हमारा अच्छा फ्राई हो चुका है। तब तक इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इस मसाले में सारी फिश डाल देंगे, एक ही बार में डालेंगे सारी फिश। अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी थोड़ा सा साल्ट यानी 1/2 teaspoon और हमें डालना है, क्योंकि हमने अभी मसाले में सिर्फ मसाले को कुक होने के लिए साल्ट डाला था। अभी आपको फिश के लिए थोड़ा सा साल्ट और ऐड करना है। ये हमने ऐड कर लिया है, अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइज, इसके पहले मैंने फ़िश की एक और रेसिपी शेयर की है, जो कि बिल्कुल यूपी स्टाइल यानी बैसवारा स्टाइल है, तो आप उसको ट्राई करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आपको फ़िश ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। कम से कम नीचे की लेयर एकदम ब्राउन होने देना है, उसके बाद ही पलटना है, वरना सारी फ़िश आपकी पैन में चिपक जाएगी। अब चूँकि ये नॉन स्टिक पैन था, तो इसमें फ़िश बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, और अगर थोड़ा ऑयल कम भी डाल दे तो काम चल जाता। लेकिन इसको हमें बहुत ही क्रंची बनाना है, तो ये हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है। चलिए आगे का देखते हैं। ये फिश फ्राई हो चुकी है, अब लिड लगाकर बार बार इसको 5-5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। फिश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम स्पून की हेल्प से पलट पलट कर चेक करते हैं। कलर बहुत अच्छा आ चुका है, तो अब इसको हम लहसुन के तड़के वाली अरहर की दाल के साथ सर्व करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।